أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. आज का हमारा लेसन हम कुरान की लास्ट तीन सूरा जो है सूरत अल-इखलास, सूरत अल-फलक और सूरत अन-नास एक साथ इनको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। इन तीनों सूरतों को वैसे हम कुल तीन कुल कह कह के मशहूर है ये, और ये रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार हमें पता है कि रात को सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों को तीन तीन दफ़ा पढ़ के फूक के अपने ऊपर पूरा हाथ फेरते थे रात को सोने से पहले, इसके पढ़ने की फजीलत है। फिर इन तीनों सूरतों के लिए हमें सुबह और शाम के अस्कार में यानी कि जैसा फजर के बाद और असर के बाद इनको तीन तीन दफा पढ़ने से प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी सूरतें हैं ये। इसके अलावा भी इसमें मैसेजेस भी बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं सूरह इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, कुल जो है फेल अमर होता है, जिस तरह किसी को कह दीजिए से हुआ वो अल्लाह अल्लाह अहद एक है। अहद का रूट वर्ड है वाव हा दाल, वाहिद हम कहते हैं ना तो वा हा दाल, और अहद जो है इसमें मीनिंग आते हैं कि अकेला भी है, जैसा एक है अकेला है तो अहद करके यहाँ पे है। इसी से तौहीद भी इसी रूट वर्ड से वाव हा दाल वहदानियत, और अहद एक अकेला है जैसे वन एंड ओनली। अल्लाह अल्लाह अस्समद बेनियाज है। अस्समद जो है ये सौद मीम दाल रूट वर्ड है, ये भी कुरान में सिर्फ एक दफा रूट वर्ड है, यहीं पे है। अल्लाह ताला का ये नाम अस्समद बहुत ही प्यारा नाम है कि जिसको किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला सबको उसकी जरूरत है। लम ना यलिद उसने जना, लम की मीनिंग होते डिड नॉट के, मगर ये लम यलिद ना उसने जना, यलित का रूट वर्ड होता है वाव लाम दाल। यहाँ पे ये फेल मुदारे के तरह आया है, इसका मतलब है उसने पैदा किया, ना उसने जना ना उसने पैदा किया, वलम और ना यूलत वो जना क्या। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो है एक्टिव वर्जन है विनॉर्मल कि उसने पैदा किया ही, यानी कि उसने पैदा किया उसने जना, वलम और ना यूलत वो जना क्या, तो ये मुदारे है यानी मुदारे तो है मजहूल है ये बेसिकली मुदारे मजहूल, दोनों मुदारे हैं मगर वो नॉर्मल एक्टिव वर्जन है इसका यलित, और यूलत जो है मुदारे मजहूल है, मुदारे मजहूल इसको आप जो है सर्कल कर लीजिए, इस पे लिख लीजिए पैसिव है मजहूल है। जब भी या ता पहले उस पे पेश हो और थर्ड लेटर पे जबर हो क्लियर गिव अवे कि मुदारे मजहूल है। तो यूलद वो जना क्या, यानी एक जगह पे वो डूअर है करने वाला, या की ट्रांसलेशन यहाँ पे डूअर है कि जिसने पैदा करने का यानी के ये एक्ट क्या हुआ पैदा करना, तो नहीं उसने जना वागा वलम यूलद ना वो जना किया, तो यहाँ पे जो है वो डूअर नहीं है बल्कि वो जना गया वो पैदा किया गया, और जो डूअर तो कोई इसमें हो ही नहीं सकता, देता अल्लाह ताला के लिए इस तरह आया है सुभान अल्लाह, तो ना वो जना किया। तो इसकी मीनिंग इसीलिए ट्रांसलेशन इसको याद करना अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए कि मदारे और मजहूल में क्या फर्क है। वलम और नहीं यकुन है लहू उसके लिए कुफुवन बराबर का, कुफुवन जो है इसके रूट वर्ड है काफ फा और हमजा। कुरान में ये रूट वर्ड एक ही दफा आया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक ही दफा ये रूट वर्ड आया काफ फा हमजा, कुफुवन इनके बराबर का इक्विवेलेंट, और फिर अहद कोई एक भी। कुरान में इस तरह बहुत दफा आया अहदुहुमा अहदुन कोई एक, मगर अल्लाह ताला के लिए जो ये सिफत की तरह आया है अहद, ये एक दफा आया कुरान में। जैसा अहदुन एक अकेला है, लेकिन अहदुन इस तरह जब आया है इससे ये तो बहुत दफा आया है अहदुहुमा अहद कोई एक भी, तो इसमें नहीं उसके लिए बराबर का अहदुन कोई एक भी। यहाँ पे सूरह इखलास कम्प्लीट हुई, बहुत प्यारी सूरत जिसमें अल्लाह ताला का तारुफ है, बेहतरीन तारुफ के अल्लाह ताला ने अपने खुद बताया कि ये भी हम लोगों को सबको हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए चीज, इसको अच्छे तरीके से दिमागों में हमारे ड्रिल कर देना चाहिए। इंशाल्लाह अगली हम सूरत देखते हैं सूरत अल-फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए से
ऐसे वॉइस चेंज, ऐसे फेल है हमारा। आऊजू मैं पनाह लेता हूँ, आऊजू की रूट वर्ड है आइन वाउ दाल, और हमजा जो फेल मुदारे में पहले आता है इसकी मीनिंग होता है मैं, आऊजू मैं पनाह लेता हूँ। बी जब भी आइन वाउ दाल रूट वर्ड के बाद बी आता है तो इसका मतलब होता है किस, यानी कि किसकी पनाह में आता हूँ, किसकी मैं किससे पनाह मांग रहा हूँ। तो ये कुल आऊजू मैं पनाह लेता हूँ बी किसकी, बी रब्बी रब की, रब्बिल फलकी सुबह के रब। तो रब्बिल फलक बेसिकली एक साथ एक फ्रेज हो गया, बी रब्बिल फलक रब की सुबह की। ये फालम कॉफ रूट वर्ड ये कुरान में इस मीनिंग में डॉन यानी सुबह के मीनिंग में यहीं पे आया, रब्बिल फलक सुबह के रब की। इसके अलावा फालम कॉफ रूट वर्ड कुरान में फाड़ने के लिए, फटने के लिए यूज हुआ है, फटने के मीनिंग में, यानी कि हम देखते हैं कहाँ पे है सूरतुल अनआम की आयत नंबर 95 और 96 में अल्लाह ताला के लिए आया है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन्नवा, बेशक अल्लाह ताला क्लेवर है फाड़ने वाला है घुटली को और दाने को। और नीचे उसी में आया फालिक इज द क्लेवर अल इसबाह, सुबह का फाड़ने वाला। और तो यहाँ पे सुबह के फाड़ने के लिए भी यानी ये लफ्ज यूज हुआ है सुबह को फाड़ने के लिए फलक, तो उसी से शायद ये जो इसकी मीनिंग है खुदावंद रब्बिल फलक में सुबह के मीनिंग आते हैं कि किस चीज को फाड़ने वाला सुबह। तो यहाँ पे एक दफा हम देखते हैं इसको। इसके अलावा कुरान में एक जगह और फालम काफ रूट वर्ड फटने के लिए यूज हुआ है सूरह अशूरा की आयत नंबर 63 है, इसमें भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में है कि जैसे समंदर पे उन्होंने अपना आसा मारा फम फलका सो इट पार्टेड, तो वो समंदर को तो वो फट गया। तो फटने के मीनिंग में एक दफा ये यहाँ पे फलक एज अ वर्ब आया है। और इधर इसके हम मानी करते हैं, कह दीजिए मैं पनाह लेता हूँ रब की सुबह के, और जिसकी पनाह तलब की जाए वो बी से आता है, और जिससे पनाह तलब की जाए वो फिर मिन। जब भी कोई ऐसी दुआ आती है जैसे हम कहते हैं आउज़ बि कलिमात अल्लाही तामाति मिन शर्रि मा खलक, इसी तरह जितनी भी आउज़ बिल्लाही वाली दुआएं हैं उसके बाद मिन का मतलब है किससे मांग रहे हैं हम, बी जिसके साथ लगा होगा उसकी पनाह में आना चाहता हूँ, किससे पनाह मांग रहे हैं वो मिन के होता है। तो किससे हमें पनाह चाहिए, अब मिन फ्रॉम शर्री हर उस चीज के शर से, माँ जो वट एवर खलका उसने पैदा की। खलका में खालम काफ रूटवर्ड यहाँ पे फेल की तरह आया है, खलका उसने पैदा की। जब भी फेल है माजी जो होता है पास्ट का जो टेंस होता है इसके आखिर में जबर यहाँ खड़ी जबर आए तो उसमें वाहिद मुज़क्कर की जमीर हिडन होती है उसने की, जैसे खलका उसने पैदा किया तभी इसकी ट्रांसलेशन उसने पैदा की। तो कि पहली चीज किससे पना मांगी जा रही है, मिन शर्री मा खलक, हर उस चीज की शर से जो उसने पैदा की यानी कि रब ने पैदा की। और किस चीज से पना मांगते हैं, वा मिन शर्री और शर से गौसिकिन अंधेरी रात के। गौसिकिन का रूटवर्ड समझ आ रहा है गैन सिन काफ रूटवर्ड, गैन सिन काफ रूटवर्ड कुरान में बहुत कम नजर आता है और ये रात के मीनिंग में डार्कनेस के मीनिंग में देखते हैं, यहाँ पे गौसिक आया है अंधेरी रात के लिए। और एक दफा सूरह इसरा में बनी इसराइल में आयत नंबर 78 है, इसमें भी है कि नमाज कायम कीजिए एट द डिक्लाइन ऑफ यानी कि सूरज के ढलने से लेकर रात के तारीक होने तक। तो रात के तारीक होने तक के लिए ट्रांसलेशन है गसकिल लैल, यानी कि इसमें मीनिंग डार्कनेस के हैं, अंधेरे तारीक होने के मीनिंग आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गसक करके यूज हुआ है रूट वर्ड, और यहाँ पे भी मिन शर्री गौसिकिन और शर से गौसिक अंधेरी रात के, ईदा जब वैन वकबा वो फैल जाए। वकबा का रूट वर्ड यही है वकबा, ये रूट वर्ड कुरान में एक ही दफा है सिर्फ यहीं पे है एक्सक्लूसिवली। और वकबा भी फेले माजी है खलका की तरह, इसमें भी वकबा में जो बाप जबर है इसमें वाहिद मुजक्कर की जमीर पोशीदा है, तो वकबा वो फैल जाए यानी कि इसमें वो की ट्रांसलेशन इसी से आई, तो रात जब फैल जाए। वमिन शर्री और शर से अन्नफासाती फूकने वालियों के, नून फा फा नफस, ये जो है कुरान में नफासात एक ही दफा आया है और लेकिन नफासात जो है जैसे नफखा होता है ऐसे नफासा भी फूकने के लिए ब्लो के लिए यूज होता है रूपर्ड, ये मसनून दुआओं में मिलता है हमें, और
कि शैतान के नफ्स इससे हमें फूकों से अल्लाह ताला पनाह में रखे, इसमें नून फा साब उठ पड़ा था, मगर नफा साब करके कुरान में एक ही दफा है, फूकने वालियों के यानी कि जो ब्लो करती ब्लो करने वालियां हैं, फिल उकद गिरहों में, अल उकद पहली बात ये आयन काफ दाल रूट वर्ड, यहाँ पे ये प्लूरल के सिगे में, गिरहों में नॉट्स में, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन प्लूरल में है, और अल उकद करके तो कुरान में एक दफा है नॉट्स के लिए, मगर उकदतन निकाह निकाह की जो गिरा होती है उसके लिए एक दफा यानी कॉन्ट्रैक्ट उस वाले उसमें आता है। और उसके अलावा एक और हम दुआ मांगते हैं सूरह तौहा की आयत नंबर 27 में, जिसमें हम रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल तवहलुल और वहलुल और अंटाई कर दीजिए उकदा नॉट को, मिन लिसानी मेरी जबान की जो नॉट है जो गिरा है उसको खोल दीजिए, तो उकदा के मतलब नॉट के, तो यहाँ पे भी उकदा यहाँ पे उकद है प्लूरल में और वहां पे सिंगुलर था उकदा। अच्छा नफासात जो है ये लव्स जो है बेसिकली नफासाती फिल उकद यानी कि जो ब्लो करने वाली है नॉट्स में, इसके मतलब जादू करने से इसका होता है, जब हम डिटेल पढ़ते हैं इसका पता चला कि जादू करने वालों की शर्त से, तो बेसिकली नफासात में इसमें जरूरी नहीं कि औरतें हों, ये फेमिनिन है मोनस का सीगा है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं कि इसको हम कहेंगे वो औरतें ऐसी हों फूकने वाली हैं, बल्कि असल में अरबी में जब ये इस तरह इस्तेमाल होता है इसका मतलब अरवाह खबीसा यानी कि उनके लिए प्लूरल के लिए यूज होता है, तो वो जो इविल स्पिरिट्स होती हैं, अब वो फेमिनिन और यानी कि वैसे देखा जाए तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए टेंस जो है इस तरह का मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया गया कि मगर इसका जरूरी नहीं कि वो औरतें ही हों, तो इरिस्पेक्टिव है इस बात से कि वो जो है इविल जो स्पिरिट्स हैं वो मेल हैं कि फीमेल, एक्चुअली जो भी अरवाह खबीसा है जो यानी कि जादू करने वाले हैं जो इस तरह के, तो उनके शर से वमिन शर्री और शर से अन्नफासाती फूकने वालियों के फिल उकद गिरोहों में यानी कि जादू की शर से हम पना चाहते हैं, वमिन शर्री और शर से हासिद के इदा जब हसदा वो हसद करे। इसमें और इसमें क्या फर्क है, हासिद में दो जेर आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इस्म है, हासिद फाइल का वजन है यानी कि डूअर ऑफ हसद जो हसद करने वाला, तो हासिद के शर से इदा जब हसदा वो हसद करे, हसद भी इसी तरह एक फेल माजी है जैसे ऊपर आ रहा है तो फेल माजी है, और फेल माजी के आखिर में जब जबर आता है तो इसका मतलब वो की ट्रांसलेशन जैसे या इस तरह, तो हसदा जब वो हसद करे। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई है सूरत, और इसमें हम इन सब चीजों से पनाह चाहते हैं, हम भी अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम आपकी पनाह में आना चाहते हैं हर उस चीज की शर से जो आप जो पैदा की, जितनी भी जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने सब अच्छी पैदा की, मगर उसमें जो भी शर है उसके शर से हम पना चाहते हैं, अल्लाह के शेल्टर में आना चाहते हैं, हम अंधी रात के शर से बचना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में ले ले और हमें हर जादू से हर हासिद के हसद से बचा के रखे हमें भी और हमारे प्यारों को भी, आमीन। अब अगली लास्ट सूरत आ गई सूरत नास, इसमें इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं बहुत आसान है, हम लोग ज्यादातर आती भी है हम लोगों को, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए अऊज़ु मैं पना लेता हूँ, अब किसकी लेता हूँ बी, तो बी से पता चलेगा किसकी लेता हूँ, बी रब्बिन नास रब की इंसानों के, अन्नास प्लूरल का ये होता है तो रब्बिन नास रब की इंसानों के, यानी अगर हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे दोनों को मिला के तो इंसानों के रब की, लेकिन वर्ड टू वर्ड है तो इसलिए बी रब्बी रब की अन्नासी लोगों के, मलिक बादशाह के अन्नासी लोगों के, इलाहिन्नास इलाह की अन्नास लोगों के, तो यहाँ पे अल्लाह ताला की तीन सिफात बता के वहां पे रब्बिल फलक का था, यहाँ पे बी इन सब के साथ कंटिन्यू है, तभी बीच में आपको ये यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू चला बी रब्बिल नासी मलिकिन नासी इलाहिन्नास, यानी उस रब की ये वाली सिफात है, पहली बात वो रब की रब है इंसानों का और वो बादशाह भी है इंसानों का और इलाह भी है इंसानों का, और हम किस चीज से पना चाहते हैं वो मिन से आ गया, मिन शारी शर से अलवस्वासी वसवसा डालने वाले के, वसवसा हमें पता है विस्परिंग के लिए कहते हैं जो दिल में विस्परिंग आती है वसवसे आते हैं, वाउसिन वाउसिन रूट वर्ड होता है,
अलवसवास, वसवसा डालने वाला। तो ये अल लगा हुआ है तो एक बात पता चल गई इस्म है, तो अलवसवास वसवसा डालने वाले की, तो ये इसकी ट्रांसलेशन इसलिए हम इस हवाले करके कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी उसमें क्या है, अलखन्नासी, एक यानी एक सिफत उसकी ये अलवसवास है, वो वसवसा डालने वाला है, और दूसरी सिफत क्या है उसकी, अलखन्नासी, बार बार पलट के आने वाला है। खन्नास खैन खा नून सीन रूटवर्ड कुरान में दो जगह है, और दोनों की मीनिंग में इसी तरह यहाँ पे तो आपको बार बार पलट के आने वाले की यहाँ पे ये मिलता है। और सूरह अत-तकवीर में भी आयत नंबर 15 है, उसमें दूसरी दफा ये रूटवर्ड यूज हुआ है, जहां पे अल्लाह ताला ने कसम खाई कि फला उकसिमु, तो नहीं मैं कसम खाता हूँ, बिल खुन्नस बाय द रिट्रीटिंग, आ पीछे हटने वाले की। तो खन्नास में होता है जो पीछे हटने वाला, पीछे आगे पीछे होने वाले, जो रिट्रीट होने वाले होते हैं उसके, यहाँ पे स्टार की थी कसम, यानी डिफरेंट मीनिंग्स में, लेकिन रूट वर्ड यहाँ खानून सीन का रूट वर्ड यूज हुआ। यहाँ पे भी अलखन्नास बार बार पलट के आने वाला, रिट्रीट, पीछे हटता फिर आगे आ जाता फिर आता, तो ये इसके यही मीनिंग है, शैतान यही करता है हमारे साथ। तो अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हम शर से पना चाहते हैं अलवसवास अलखन्नास के, जो वसवसा डालने वाला है, तो वाले करके ट्रांसलेशन है, अलखन्नास बार बार पलट के आने वाले के, यानी इन दोनों के शर से पना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सिफत शैतान की है, अल्लादी, वो जो युवसवसु, वो वसवसा डालता है। यहाँ पे अल लगा हुआ था, ये इस्म था सेम रूट वर्ड का, यहाँ पे या पहले आ जाए, जब भी या पहले आ जाए तो ये फेले मुदारे की अलामत होती है, तो इसका मतलब ये फेल है। तो युवसवसु वो वसवसा डालता है, फी सुदूर सीनों में, प्लूरल में ट्रांसलेशन है, अन्नासी लोगों के, मिनल जिन्नति जिन्नों में से है, वन नासी और इंसानों में से। यहाँ पे अल जिन्ना जो है ये जिन्नों की, मतलब पूरी स्पीशीज के लिए अल लगा हुआ है, इसीलिए ट्रांसलेशन प्लूरल में ही हम करेंगे, जिन्नों में से, मिनल जिन्नति जिन्नों में से, वन नासी और इंसानों में से। तो वो हम जो है शैतान के शर के से पनाह अल्लाह ताला के मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो हमें हर चीज से बचा सकता है। अल्लाह से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है, अल्लाह ताला बादशाह है, अल्लाह ताला रब है, अल्लाह इलाह है, और अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं कि हमारे दिलों में जो बार बार वसवसे आते हैं, बार बार हम कुरान पढ़ने के लिए आते हैं आके फिर पीछे उड़ जाते हैं, फिर चले आते हैं, फिर आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, हमें इन शरूर से बचा के रखे। हम अल्लाह ताला से हर किस्म के शर से पनाह में आना चाहते हैं, और हम मरते दम तक अल्लाह ताला हमें कुरान पे कायम रखे, अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, मौत भी कुरान के साथ आए, कुरान हमारी बख्शिश का जरिया बन सके। बहुत जो है लास्ट सूरह है कुरान की, और इसके बाद यहाँ पे के हम लोग इसको पढ़ने की मुसलसल आदत रखें, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्शन के लिए बहुत है, हर इविल से बचाने के लिए बेहतरीन दुआएं भी हैं ये, शेल्टर भी हैं, और हम इसकी मीनिंग अगर समझ के पढ़ेंगे तो इसका और इफेक्ट पड़ेगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।